सो हे गाइस, दिस इज कुशम तलवार। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है वीडियो, ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए है। जो आपके छोटे भाई बंधु हैं उन सबको बता देना इस वीडियो के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है। काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो आज इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, इस वीडियो में होने के वाला है जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे 10th में थे 85% और 12th में 96%। इसका जो गैप कवर अप किया है मैंने, कैसे किया वो सारा बताऊँगा। काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। प्रैक्टिकल कैसे, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। 10th क्लास में क्या हुआ, मैं भी आपकी तरह पूछा था हाउ टू स्कोर 90+। 10th क्लास की बात है, 90+, 95+ मैं ही पूछा इस क्लास में। तो मैंने भी काफ़ी सर्च करी वीडियोज़, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, जितनी मैंने देखी ना वीडियोस, सब में एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या थी, काफ़ी सारे ना सारी वीडियोस में सुपरफिशियल लेवल पे बातें कर रहे थे, मतलब ऊपर से थ्योरेटिकल बातें, कोई प्रैक्टिकल बातें करते नहीं था। ये बता रहे थे हार्डवर्क कर लो, कंसिस्टेंसी बने रहने एंड सो एंड सो। तो मेरे को लगा यार थ्योरेटिकल काम है, वो वर्क भी नहीं करने वाली, क्योंकि इन जो वर्ड्स हैं ना, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, इनकी डेप्थ में कोई नहीं जाता। मैं जाऊँगा डेप्थ में और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और लास्ट तक बने रहते हो मेरे साथ, तो काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो। सेकंड बात क्या है, अगर आप जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उससे आप स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते रहते हो, तो आपके 95% प्लस से कोई आपको आने से रोक ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, लिखवा के रह लेना। और आपको कोई भी डाउट होता है जो मैं धीरे धीरे बताऊँगा आप बातें, उससे कोई रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इंस्टाग्राम की अपनी आईडी बता दी है, वहाँ जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सो स्टोरी शुरू करते हैं 10th क्लास से। 10th क्लास में जब मेरा रिजल्ट आया 85%, तो मेरा सबसे बड़ा मिथ दूर हुआ। वो क्या था, मैं सोचता था यार अब तो मैंने ट्यूशन लग ली, मैथ और साइंस की ट्यूशन तो लग ली, अब मैं 90+ आने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे मैथ में थे 96, जिसमें मैं बहुत खुश था, और जो मेरे साइंस में थे उसमें थे 78, जिसमें बड़ा दुखी हुआ, ये कैसे यार। तो वहाँ मेरा सबसे बड़ा मिथ दूर हुआ कि ट्यूशन लगो या ना लगो कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अकेले में सेल्फ स्टडी में क्या करते हो। आप मैटर सबसे ज़्यादा ये करता है, आपके 80+ तो आज कैसे, अगर ट्यूशन वाला बोल रहे हैं कि आप इतना काम करो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो आपके 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब आपने 90+ लाने हैं या 95+ लाने हैं, 95+ भी लाने हैं ना, तो कैसे आएंगे। जितना ट्यूशन टीचर जो बता रहा है उतना तो करो, उससे डबल ट्रिपल भी करो। ये स्कैम नहीं कर रहा मैं आपके साथ, ये रियलिटी है, मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा है। मेरे को याद है, मैं इंग्लिश ट्यूशन में कोई भी ट्यूशन ले लो, सर मेरे को कोई भी टीचर मेरे को कहते था ये कर वो कर, मैं एडवांस में पहले ही कर लेता था वो काम उनके बिना बोले। तो ये होता है एक पावर, ये होता है डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन अपने आप में ही। अगर एजुकेशन करने चलो ना, अगर दिल से कर एजुकेशन, दिल से कैसी होगी एजुकेशन जो आपके पीछे सिर्फ आप हो और आपकी किताब हो, तीसरी चीज़ कोई हो ना, यार दोस्त ना, कुछ भी ना हो, सिर्फ आपकी बुक हो और आप हो, बस यहाँ आता है मोटिवेशन, अपने आप ही मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। सो ये जो मेरी बात थी ना 12th क्लास की थी, कि ट्यूशन टीचर मेरे को जितना कहता था उससे डबल कर कहता है, 12th क्लास की बात है, 10th की बात नहीं है। 10th में जितना कहता था मैं उतना करता था, उससे ज़्यादा तो करते नहीं था, इसलिए मेरे 78 आए, इसमें 80 भी नहीं आ पाए। अब मैं बताऊँ आपको, सो यहाँ पे मेरा पहला मिथ दूर हुआ कि ट्यूशन लगाने से कुछ नहीं होता। होता भी है और नहीं भी होता। होता कब है, जब आप सेल्फ स्टडी बहुत करते हो, और जब नहीं होता तो आप कुछ भी करते ही नहीं यार। जितना ट्यूशन कहते हैं उतना भी ना करो, फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं ट्यूशन लगाने का, माँ आपके पैसे वेस्ट करो, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे आप। अब मैं बताऊँगा कमाल की चीज़ कि 10th और 12th में डिफरेंस क्या था मेरी। 10th में मेरी 85% आए और 96% आए 12th में। मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी, वो क्या थी, मैथ मैंने सोच रहा है 96 कैसे आ गए मेरे, और साइंस में 78, और बाकी जो सब्जेक्ट्स जितने भी थे थ्योरेटिकल, हिंदी, इंग्लिश, SST, इनमें मेरे सिर्फ 80+ आए थे, किसी में 81, 84, 86 इतने, 90+ किसी में नहीं, सिर्फ मैथ के अलावा। और मैं टाइम भी सबको इक्वल देता था, ये नहीं कि मैथ सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये इतना कम कर रहा हूँ दूसरे वाले सब्जेक्ट, मैं सबको इक्वल देता था टाइम। मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट, मैं आपका फिर से स्कैम करने जा रहा हूँ, पर आप सोचना मत स्कैम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करने जाते हो तो काफ़ी कर सकते हो आप 96+, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने देखा मेरे मैथ में इतने ज़्यादा क्यों आए और साइंस में 78, मैथ में 96 कैसे। मैंने फिर सोचा, मैंने मैथ को लिख लिख के बहुत करता था
ये स्कैम हो गया। मैं मैथ्स को लिख लिख के बहुत करता था और साइंस को मैं करता था सिर्फ पढ़ता था। मैं सोचता था पढ़ के चला जाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कर लेता हूँ और पेपर में बना बना के लिखाऊंगा। भाई अगर आप बना बना के लिख के आओगे ना तो बने बनाए ही मार्क्स आएंगे। अब मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ, जिनके 92 आते 93 94 से ज़्यादा नहीं, ये पता है किनके आते हैं? जो लिखते तो नहीं है पर जिनकी क्रैमिंग पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे दोस्त हैं उनके आ जाते हैं, उनकी क्रैमिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी क्रैमिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं थी इसलिए मैं लिख लिख के करता था। अगर आप लिख के करते हो, अगर आपकी क्रैमिंग पावर स्टोर है और आप स्ट्रॉन्ग है और आप लिख के भी देखते हो तो आपके 99 98 आने वाले हैं, समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो इससे बिल्कुल रिलेट कर जाएगा लिखना कैसे है। अब क्या होता है, मान लेते हैं आपको क्रिकेटर बनना है। आपने सोचा यार मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं ना कोई अच्छे अच्छे प्लेयर विराट कोहली अब उससे बड़े प्लेयर उनको ऑब्जर्व करता हूँ, वो खेलते कैसे हैं, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करता हूँ। और आप सोचते हैं कि ऑब्जर्व कर लिया अब मैं सीधा मैदान में छक्के चौके मार के आऊँगा, लेकिन होता है क्या, पहले ही बॉल पर आउट हो सकते हो आप। अब ऐसी है, इससे रिलेट कर लो इस चीज़ को कि पेपर आना लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू वाले होते, मैं कहता ओरली लिख कर लेते, ओरली भी चल जाता, लेकिन अब पेपर ही लिखने का आ रहा है यार, तो लिखने की पहले से प्रैक्टिस करो ना। बिल्कुल ऐसी है क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेटर बनना है ना आपको तो पहले ऑब्जर्व तो कर लिया, बहुत बढ़िया बात, आपने ऑब्जर्व करा, फिर उसके बाद एक बार देख भी तो लो, सेल्फ प्रैक्टिस भी तो कर लो उसको, कैसे करना है, हज़ार गलतियाँ निकल जाएगी आपकी उसी टाइम। तो ऐसी सेल्फ प्रैक्टिस करना मतलब सेल्फ स्टडी करना, एक बार पेपर को देने से पहले काफ़ी बार लिखो एक क्वेश्चन को, इतनी बार लिखो कि वो आपके हाथ में चढ़ जाए वो आंसर ही, इतनी बार मतलब ऑटोमेटिक हो जाए एक्शन, फिर पेपर में आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी आप ऑटोमेटिक एक्शन निकल जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करो लिखने की। तो लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा ओरल जाओ बना बना के लिख के आओ तो बने बनाए मार्क्स आएंगे, ताकि तभी तो आपके आधे मार्क्स एक मार्क्स या दो मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ लिखना बहुत मस्ट है। लिखोगे नहीं तो क्या करोगे, क्योंकि पेपर ही लिखने का आना, लिखने की प्रैक्टिस करो ना। अब तीसरा पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैंने 12th क्लास में ऑब्जर्व करा। 10th की तो कहानी होगी ख़त्म, जितनी उंधी होगी इतनी आने थे मेरे, इतनी जो मैंने गलतियाँ करी उनसे कुछ सीखा। अब आते हैं 12th की बारी, 12th मैंने क्या ऑब्जर्व करा, बच्चे जो है ना क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जब सेशन शुरू होता है स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं सिलेबस, अरे भाई ये भी इतने सारे चैप्टर, मतलब पहले एक आउटर बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, इतने सारे मेरे से कैसे होगा, वो सोचते हैं कि पेपर के लास्ट मंथ में कर देंगे, ये होती है निलैक को की कहानी, पेपर के लास्ट मंथ में कर लेंगे, जो फंसते हैं बुरे वाला फिर वहाँ भी नहीं हो पाता। अगर अब भी नहीं कर पा रहे क्या गारंटी है बाद में कर लोगे, लास्ट मंथ में कर लोगे क्या गारंटी है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, एक आउटर बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं सारे काम की, इतना सारा सिलेबस यार मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उस सिलेबस के आप अंदर जाओगे ना, आउटर बाउंड्री की तोड़ के आप अंदर जाओगे ना, एक प्रोसेस होती है स्टडी की, वो होती है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग का रूल खेलते हैं इसमें, हम काम को करते हैं बांट देते हैं, और जब काम को बांटते हैं ना इतना इजी लगता है, और इजी के साथ साथ जब हम करते हैं ना उस डिवाइड को, काम को डिवाइड करके करते हैं, मोटिवेशन अंदर से आता है, किसी की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा, इतना प्रैक्टिकल होने वाला है ना, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी को सबसे रिलेट कर लेना जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट क्या है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ को देखा, बिजनेस स्टडीज़ में मेरे आने थे 12 चैप्टर, मैंने सोचा यार एक हफ्ते में अगर मैं एक चैप्टर कर लेता हूँ तो एक महीने में लगा लेते, चार हफ्ते होते लगा लेते, मान लेते किसमें पाँच भी होते, लेकिन मैं चार हफ्ते लेके मान रहा हूँ, एक महीने में चार हफ्ते हो रहे हैं, अगर मैं एक चैप्टर को एक हफ्ते में कर लेता हूँ तो चार हफ्ते में चार चैप्टर को कर लूँगा, देख लो, और मेरे हैं टोटल 12 चैप्टर, और 12 को डिवाइड कर दो 4 से, मतलब 3 मंथ में मेरा सिलेबस ख़त्म, बढ़िया बात है। मतलब एक हफ्ते में एक चैप्टर, एक महीने में चार चैप्टर, 3 महीने में 12 के 12 चैप्टर, 3 महीने में सिलेबस खत्म, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल। मैंने कैसे करा मैं बताता हूँ, मैं एक हफ्ते वो भी कैसे डिवाइड करता था, बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर लिया, मैंने सोचा था 3-4 दिन में इस चैप्टर की रीडिंग जो है निपटा देनी है, फिर जो बाकी के 3-4 दिन बचे गए ना उनमें मैं करूँगा जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उसको एक एक करके लिख लिख के देखूँगा, एमसीक्यू को छोड़ देना ओरली हो जाएगा, जो लिखने वाले ना 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 4-5 मार्क्स के उनको लिख लिख के देखता था मैं, और 3-4 दिन में हो जाते थे, कितना इजी है। स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम लगे लेकिन बाद में धीरे धीरे आते ना बड़ा मज़ा आने वाला है इस चीज़ में, एक मोटिवेशन अपने आप से किक मिलेगी, बाहर की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने ऐसे काम को डिवाइड करा, और ऐसे ही करना होता है, काफ़ी बच्चे फेल हो जाते इसको करने में, पहली सारी चीज़ को देख लेते, इतना सारा काम यार मेरे से नहीं होगा, मैं लास्ट में करूँगा, लास्ट में भी नहीं हो पाता उनसे,
उनके आते हैं कितने, 60%, 70%, 80% तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कह रहा हूँ काम को डिवाइड करना सीखो, बहुत इजी हो जाता है। सो अगर मैं इस पूरी वीडियो को समअप करूँ ना, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, और ये तीन ही पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये फॉलो कर लेते हो अनबायस्ड, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता 95+ आने से। 100% श्योरिटी है, गारंटी है मेरी तरफ से, अगर आप ये कर लेते हो। पहला पॉइंट क्या था, अगर आप किसी टीचर पर जा रहे हो ना, ट्यूशन टीचर पे, जितना काम दे रहे हो उतना तो करो, उससे डबल ट्रिपल भी करो। मेरा क्या होता था, मेरे को टीचर बहुत शाबाश करते थे, क्योंकि मैं एडवांस में, वो बोलते नहीं थे मेरे को ये करके वो करके, मैं एडवांस में काम कराता था, और वो मेरे से खुश, मैं भी खुश, और मेरे को बहुत मज़ा आता था इस काम में। क्योंकि अगर ये अपने आप में मोटिवेशन था काम, क्योंकि अगर आप खुद करके आ रहे हो ना, आप दिल से कर रहे हो काम, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, टीचर को कहने की जरूरत नहीं, ना डांटने की जरूरत है। अगर आप खुद करके आ रहे हो, ये होता कब है, जब आपको कुछ लाइफ में रीज़न होता है, आपका वाई क्लियर होता है, मैंने क्यों करना है, तो आप कुछ करना है लाइफ में, तो टीचर ने जितना दिया है उतना तो करो, उससे डबल ट्रिपल भी करो, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। अब क्या है, आपको ना बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती है, अगर एक चीज़ पकड़नी है ना, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है ना, तो आप और आपका गोल होना चाहिए सिर्फ, और तीसरी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, आपके दोस्त यार खेल कूद सब छोड़ दो, सब बकवास है, टाइम वेस्ट हो जाए एक समय के लिए। अगर आप जिम भी जाते हो ना, बॉडी बना रहे हो, सब छोड़ दो, बकवास है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर क्योंकि 12th का टाइम निकल गया, निकल गया, फिर कभी नहीं आने वाली 12th, लेकिन जिम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, 12th होगी कॉलेज में कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया नहीं आने वाला, पहले ही कह रहा हूँ, फिर आपका जो गोल है कभी आने नहीं वाला लौट के, एक बार निकल गया निकल गया। टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, एक एक सेकंड की, एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक लाइन बोलता हूँ, लाइन बोलने से पहले मैं आपका माइंड क्रिएट कर देता हूँ। जब मेरा रिजल्ट आया 96% 12th में, तो काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ दी, टीचर्स ने दी, फ्रेंड्स ने दी, रिश्तेदारों ने दी, मेरे को बधाइयाँ दी। इसका मतलब क्या है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, दुनिया से मिल रहा हूँ एक तरह से। अगर आगे आगे चलूँगा, कॉलेज लेवल में कुछ सक्सेस पाऊँगा, तो वहाँ मेरे को कुछ अप्रिशिएट करेंगे लोग, तो मतलब क्या, दुनिया से मिल रहा हूँ। अब मैं लाइन बोलता हूँ, क्रिएट हो चुका है आपका माइंड। अब मैं लाइन क्या है वो, अगर दुनिया से मिलना है ना, तो पहले दुनिया से कटना पड़ता है। सिंपली बात है, मैंने सबको छोड़ दिया था, दोस्त यार खेल कूद सब छोड़ दिया था, सिर्फ मैं और मेरी किताब, और तीसरी चीज़ ही नहीं कोई। सोचो मेरा सेकंड पॉइंट था वो क्या था, आपको लिख लिख के देखना है हर चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम रिटर्न आने वाला है, तो रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेहतर है। ओरल नहीं आने वाला, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, जैसा आना है वैसे ही करना है। एक बिल्कुल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है माइंड का, जैसी चीज़ आने वाली है उसकी डुप्लीकेट, उसकी डुप्लीकेट ही आपको पहले करना पड़ता है तैयार। और तीसरी चीज़ क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, काम को डिवाइड करना सीखो, चैप्टर्स को डिवाइड करो, सब्जेक्ट को पूरे डिवाइड करके देखो। 5 सब्जेक्ट होते हैं दिन में, काफ़ी आराम से हो सकते हैं 5 सब्जेक्ट। सो ये डिवाइड करने की चीज़ है ना, अगर आप इसको फॉलो करते हो 12th में, और आपके अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं, और ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी चीज़ डिवाइड करना। आप बिज़नेस भी होगे, बिज़नेस भी कर रहे होगे, या कुछ भी कर रहे होगे ना, जॉब भी, आपको डिवाइड करना आ जाएगा काम को। यहाँ से नींव बननी शुरू हो चुकी है 12th क्लास से हमारी, डिवाइड करने की, और लाइफ टाइम पूरी चलेगी। हम हर काम को डिवाइड करेंगे लाइफ में भी, हम ऐसे नहीं एज ए वॉल देखेंगे चीज़ को, डिवाइड कर करके देखेंगे, और बड़ी आसान हो जाती है चीज़ जब हम डिवाइड करते हैं। सो आई होप आपको आज वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ लेके गए हो आप। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हो ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इस लाइफ में। ये 3 स्टेप इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इस पूरी वीडियो को रख सिए 3 स्टेप, तो इसको फॉलो करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस करना, कोई कमेंट सेक्शन में बता देना कोई भी डाउट है आपको, या मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।